जिस कोठी में काम करती थी उसका मालिक कहता कि ये काम कर लो तुम अमीर हो जाओगी, पर मैंने कहा नहीं। हम मसलन क्या काम कहता था? उल्टी हरकते हैं ये वो सब कुछ। बंदा इनके घर का खर्चा उठा सकता है, इनकी माँ को मना के इनके साथ निकाह कर सकता है, तो स्क्रीन पर शो वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अमन पॉइंट। हमेशा की तरह आज एक मुनफरिद और नई स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ खड़ी आप जिस बेटी को देख रहे हैं, इनका वालिद घर से निकलता है लेकिन वापस नहीं आता। आज ये जवान बच्ची लोगों के घरों में काम करके अपने घर का निज़ाम चलाती है, और यकीन करें कि इस तंग दस्त मुआशरे में जब बेटियां घर से निकलती हैं किसी के घरों में काम करती हैं तो उनको किस नज़र से देखा जाता है, ये आप अच्छे तरीके से समझते होंगे। अच्छी तरह आपको इस चीज़ की खबर होगी कि जवान बच्ची को दूसरे के घरों में जब काम करने के लिए भेजते हैं तो मजबूरी क्या होती है, फिर उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। मेरे साथ जवान बेटी मौजूद है, इससे बात करके जानेंगे कि वालिद कहाँ गया और आज चाहती क्या है, आपके सामने अर्ज लेके क्या आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मेरी बहन? खैरियत से हैं? ठीक। क्या बना था, वालिद घर से गए, कहाँ गए, कैसे गायब हो गए? हम तीन बहनें थी और हमारी मम्मी बहुत बीमार थी। हमारे वालदैन हमें कहते थे, वालिद कहते थे कि हमने मैंने नहीं खर्चा उठाया जाता, ये होता वो होता है। यानी कि आपके अब्बा कहते थे कि मुझसे खर्चा नहीं उठाया जाता। नहीं उठाया जाता, वो सुबह उठे हैं उसके बाद घर से निकले हैं, उसके बाद को कोई पता नहीं किधर गए हैं, कभी आए भी नहीं है वापस, ना कभी मुलाकात हुई है। यानी कि आपके वालिद कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, या फिर अपने हालात से डर के भाग गए, आपको क्या लगता है? अब कैसे थे? पहले तो बहुत अच्छे थे, जब से गए उसके बाद से तो नहीं वापस आए। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि अपनी गुर्बत से डर के आपका अब्बा भाग गया हो कि मैं अपने बच्चे नहीं पाल सकता, चलो मैं कहीं चला ही जाता हूँ, ऐसा तो नहीं है कोई सीन? ऐसा ही है, वापस ही नहीं आए, पता नहीं कहाँ गए, हमें पता ही नहीं है। अदिन बेबसी का आलम चेक करें, एक वालिद जो कि अपने बच्चों से ये कहता है कि मेरे पास इतने अखराजात नहीं है कि मैं आपको पाल सकूं, घर से निकलता है लेकिन वापस नहीं आता। अब यहाँ पर सच्चाई क्या है मेरा अल्लाह जानता है, और वो वाकई दिलों के हाल जानने वाला है। इनका वालिद कहीं भाग गया या इस वजह से चला गया कि वो अपना घर नहीं चला सकता, तो मेरी बहन आज क्या मुश्किल है, लोगों के घरों में काम करती हैं, जाहिर सी बात है तंग दस्त मुआशरा है, लोग गलत गलत नज़रों से भी देखते हैं, गलत गलत बातें भी करते हैं, कैसे गुजारा होता है? घर में काम करती हूँ, दो घरों में काम करती हूँ जिससे घर भी चलता है, घर का किराए पे रहते हैं, घर का किराया भी जाता है, बिजली का बिल बहुत मुश्किल से पूरा होता है। कैसे किराया दे लेती हैं, कैसे बिजली का बिल इतने तंग मुआशरे में कैसे मेरी बहन गुजारा होता है? कितना आपको मिलती है सैलरी? 9-10 हज़ार होती है जिसमें हम सारा खर्चा पूरा करते हैं, बहुत मुश्किल से पूरा होता है। 9-10 हज़ार में आपकी फैमिली गुजारा कर रही है? जी बहुत मुश्किल से करते हैं, कभी रोटी खाते हैं कभी नहीं खाते। अल्लाह पाक आप पर करम करें। कितना किराया है जिस घर में आप रहती हैं? 4500 किराया है, जो किराया चला जाता है उसके बाद जो बचते हैं वो घर का खर्चा बिजली का बिल। नाज़रीन इमेजिन करें कि आपके पास सिर्फ 9000 रुपये है और आपने उससे पूरा महीना सर्वाइव करना है, उसमें आपकी बहन भी है, आपकी माँ भी है, आप भी हैं, और आपने घर कैसे चलाना है मुझे नीचे आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि एक बेटी जो कि लोगों के घरों में काम करती है, महीने का 9000 कमाती है, 4500 रुपया घर का किराया देती है, बाद में बाकी के 4500 में से बिल भी देना है, घर भी चलाना है। मेरी बहन आजकल जवान है, आप जब घरों में काम करने जाती हैं तो लोग गलत गलत बातें करते होंगे, गलत गलत नज़रों से देखते होंगे, इस बात में सच्चाई है? जी हाँ जी, इस बात में जरूर सच्चाई है, जब हम जाते हैं उधर आते हैं लोग बातें करते हैं, गलत नज़र से देखते हैं। मसलन क्या कहते हैं? मसलन बातें करते रहते हैं, हम तो सुनते नहीं, चुप कर क्या गंदी गंदी बातें जी गंदी गंदी बातें करते हैं और हम अपने काम से चले जाते हैं वापस। जाने के जहाँ पर आप कोठी में काम करने जाते हैं लोग आपको कहते हैं, जाने के गलत गलत ऑफरें करते हैं कि ये करें वो करें, फिर आपके घर के हालात सेट हो जाएंगे? जी इस तरह से ऑफरें करते हैं, वो हम तो नहीं कर सकते इस तरह से। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। कोई एक ऐसी कोई बात बताना चाहें किसी कोठी के मालिक की, जो कि आप इस कौम को पता चले कि मेरी कौम की बच्चियां जो गरीब घर की बेटियां हैं उनको जब घरों में काम करने जाती हैं तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं? जिस कोठी में काम करती थी उसका मालिक कहता कि ये काम कर लो तुम अमीर हो जाओगी, पर मैंने कहा नहीं। हम मसलन क्या काम कहता था? उल्टी हरकते हैं ये वो सब कुछ। फिर मैंने काम छोड़ दिया, मैंने कहा भूखे रह सकते हैं पर अपनी इज्जत के साथ नहीं खेल सकते, इज्जत का खाएंगे। अल्लाह पाक आपकी इज्जत महफूज रखे। नाज़रीन अलमिया चेक करें कि एक शख्स इस बेटी को ये कहता है जी आप मेरी बात मान लें आपके दिन आसान हो जाएंगे, और हिम्मत है इस गरीब घर की गरीब बच्ची की जिसने कहा जी मुझे इज्जत
प्यारी है, लेकिन मैं पैसे के लिए ये काम नहीं करूँगी। मेरी बहन क्या चाहती हैं, आज मीडिया बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि कोई ऐसा अल्लाह का बंदा है जो हमारी मदद करे। मेरी अम्मी बहुत परेशान है कि हमारी कैसे शादी करनी है, कैसे करना, खर्चा पूरा होगा कैसे, मतलब के सामान होगा बनेगा, तो इसलिए मीडियम पे आई हूँ कि हमारी कोई मदद कर सके। नादिन ये मासूम बच्ची है, यकीन करें कि बात करने का अभी तक इनको पता नहीं है। इनकी माँ ऑफ कैमरा बैठ के रो रही हैं, और मैं बयान नहीं कर सकता कि गुर्बत वाली फैमिली है, गरीब ख़ानदान है, गरीब घर किस तरह गुजारा करता है। ये वो बेटी है जिसको ये कहा गया जी हमारी बात माने आपको अमीर कर देंगे, हमारी ये बात माने आपको ये कर देंगे, और हम इमेजिन करें कि गरीब घर की बच्चियां जब कोठियों में काम करती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं, तो लोग किस नज़र से देखते हैं। मेरी बहन अगर अल्लाह का नेक बंदा आपकी मदद कर दे, आपके घर के किराए की जिम्मेदारी उठा ले, या कोई आपके सर पर हाथ रखे, आपसे निकाह करना चाहे, तो शादी वगैरह कर लेंगी? जी कर लेंगे अम्मी की मर्जी से, अपनी माँ की अपनी माँ की मर्ज़ी से। जी यानी कि अगर अल्लाह का एक बंदा आपकी माँ को मना लेता है उनकी मर्ज़ी से, आप शादी कर लेंगी? जी। उम्र कितनी है आपकी? 17-18 साल होगी। 17-18 साल उम्र है, जवान है, यानी कि शादी तो आपने करनी है। जी अगर अल्लाह का एक बंदा आपकी मदद करता है, आपकी इमदाद करता है, तो दुआ करेंगे उसके लिए? जी करेंगे दुआ जरूर। और कोठियों से काम छोड़ देंगे अगर अल्लाह का एक बंदा आपकी मदद करता? सर्दी है, इस सर्दी में काम तो जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल होता होगा। जी बहुत मुश्किल से काम करना पड़ता है, फिर घर चलाना होता है, इसलिए काम करते हैं मजबूरी में। मसलन क्या काम कोठियों में क्या कर, बर्तन वगैरह धोती हैं, क्या करती हैं? बर्तन धोते हैं, घर की सफाई कर लेंगे। पक्की बात है जी, कोई धोखा कोई फ्रॉड तो नहीं होगा? अगर फ्रॉड वो ना करे तो फिर ठीक है। यानी कि आप नहीं करेंगे? जी नहीं। अरे ये दास्तान है इस बेटी की, एक मिनट के लिए सोचिएगा, इमेजिन कीजिएगा कि एक मजबूर बेटी जब घर से निकलती है, किसी के घर में काम करने के लिए जाती है, उसको जब गंदी गंदी ऑफरें की जाती हैं, तो वो क्या सोचेगी, उसके जहन से क्या बात निकलेगी? वही जो कोठी का मालिक है जिसने इनको कहा जी आप मेरी बात मान लें, मेरे साथ गलत काम कर लें तो मैं आपको अमीर कर दूँगा, अगर वही शख्स इनकी मदद करता, इनके सर पर हाथ रखता, तो आज की इस वीडियो में ये उनके लिए अच्छे अल्फाज बयान करती है। अफसोस ऐसे शख्स ऐसे लोग हमारे माशरे में बहुत कम बचे हैं, हैं सही लेकिन बहुत कम है, जिनकी वजह से हमारे माशरे का रुपया चल रहा है। अगर अल्लाह का नेक बंदा इनकी मदद कर सकता है, इनकी मदद कर सकता है, इस यतीम बच्ची के सर पर हाथ रख सकता है, क्योंकि इनका वालिद नहीं है, चला गया, तो ये यतीम है, कोई हाथ रख सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। अगर अल्लाह का नेक बंदा इनके घर का खराजात उठा सकता है, इनकी माँ को मना के इनके साथ निकाह कर सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए एमन पॉइंट, अल्लाह ने के बाद।